अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं विक्की और आप देख रहे हैं हमारे चैनल आसनसोल बट फ्रॉम। आज मैं बताऊंगा सनी कानूर के बारे में कि वो कितने साल में ब्रीडिंग करते हैं और उसका ब्रीडिंग एज क्या होता है और कितने दिनों में बच्चे हैच करते हैं और मेल फीमेल पहचानने का तरीका सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो हमारे वीडियो में बने रहे और देखते रहे हमारा चैनल, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे ताकि नई आने वाली वीडियो हमारी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस, मैं बिना किसी टाइम वेस्ट के आपको बताता हूँ, ये जो सन कनूरा बर्ड देख रहे हैं ये मेल फीमेल ये सेम टू सेम लगते हैं। आप देख सकते हैं इसमें मेल फीमेल पहचानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये एक जैसे लगते हैं। अगर आप मेल फीमेल पहचानना चाहते हैं तो DNA इसका बेस्ट ऑप्शन होता है क्योंकि DNA कराने से ही पता चलेगा कि कौन सा मेल है। बगैर DNA का पता नहीं लगा सकते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो इसलिए आप इसे सबसे पहले DNA करा ले। उसके बाद अगर आप ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप पहले DNA करा ले, उसके बाद इसे सेपरेट केस दे ताकि वो अच्छे से ब्रीड कर सके। बहुत से भाई ऐसे ही छोड़ देते हैं और ब्रीडिंग नहीं करते और 6-7 महीने के बाद में कोई ब्रीडिंग नहीं आता है तो सोचते हैं कि ब्रीडिंग नहीं कर रहा और पेपर फिर कराना पड़ता है। DNA कराने से पता चलता है कि मेल मेल है फीमेल फीमेल है, तो वो ब्रीडिंग नहीं करती, इसलिए आप लोगों का टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए आप ऐसा गलती ना करें। अगर आप ब्रीडिंग के लिए ले रहे हैं तो पहले कन्फर्म कर ले कि ये मेल है और फीमेल है, उसके बाद आप ब्रीडिंग ले ताकि आप लोगों का भी वक्त ज़ाया नहीं होगा और वो 1-1.5 महीने में अच्छे ब्रीड कर देंगे आप लोग। ये एक ऐसा बर्ड है जिसे लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका कलर इतना एट्रैक्टिव होता है कि इंसानों के ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसे भी प्यार करते हैं और ये इंसानों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं ये बर्ड। इसके जो ब्रीडिंग के एज होते हैं वो 2.5 से 3 साल के बीच में ये ब्रीडिंग सही फुल एडल्ट हो जाते हैं, तब आप इससे ब्रीड लीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे ब्रीड करते हैं। बहुत से भाई 1.5 साल में ब्रीड ले लेते हैं लेकिन बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और उससे बर्ड्स को मरने का भी खतरा रहता है। अंडे ले करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और फीमेल एक्सपायर भी हो जाती है, इसलिए आप जब फुल एडल्ट हो जाए उसके बाद ही इससे ब्रीड ले ताकि आपके पास अच्छा ब्रीडिंग हो और बर्ड्स को कोई किस्म का नुकसान ना हो। और इसका जो 5 केज साइज होता है वो अच्छे से जो ब्रीड कर सके वो केज में 5x3x3 का ये इसे केज दे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे ब्रीड करेंगे। और इसके जो बॉक्स साइज होते हैं वो से दे 18x12x12, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे उस बॉक्स में ब्रीड कर सकेंगे। इसके जो अंडे के एवरेज होती है वो 4 से 5 अंडे देती हैं, और इसके जो बच्चे हैच होते हैं वो 22 से 25 दिनों में इसके जो बच्चे वो हैच हो जाते हैं, अंडे से बाहर आ जाते हैं और 2 मंथ में सेल्फ फीड में आ जाते हैं ये इसके बच्चे। तो और इसे जो बच्चे में वो ज़्यादा ग्रीन रहते हैं और येलो कम रहते हैं, तो आपको बच्चे में जब 6 मंथ के हो जाएंगे और पहले मोल्ड करेंगे जो पहला मोल्ड पे आएंगे तो उसके जो फीदर निकलेंगे तो वो ज़्यादातर आप देखेंगे कि वो येलो कलर का फीदर निकल रहा है। तो ये जैसे जैसे बड़े होते हैं तो इसी तरह उसका पूरा कलर आ जाता है और ये 2.5 से 3 साल में फुल एडल्ट हो जाते हैं जो ब्रीडिंग के लिए रेडी होते हैं। और सन कनूर बर्ड्स का जो एज होता है वो एज ये 25 से 30 साल ये केज में रह सकते हैं इसका एज है, और सालों में ये 4 से 5 बार ये फुल साल ब्रीड करते हैं। जगह जहाँ पर आप रखते हैं इसे वो ठंड है तो ये सालों साल ब्रीड करेंगे। ये अगर आप के ज़्यादा गर्मी है तो इससे ब्रीड ना लें क्योंकि गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है बर्ड्स को और ये गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते और ब्रीड लेने से बर्ड्स को खतरा हो जाएगा। तो इसलिए आप मई में बॉक्स हटा दें और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में बॉक्स दें ताकि वो फिर से अच्छी ब्रीड करें, और ख़ास ख्याल रखें खाना पीना का तो ये काफ़ी अच्छा ब्रीड करेंगे। और इसका जो साइज होता है वो रिंग नेक के बराबर होता है, ये देखने में रिंग नेक की तरह साइज के हैं लेकिन ये ब्रीड करते हैं बजिस के तरह, तो आप इसे आसानी। और जो मेल फीमेल होगी वो तो गैस आप इसे हैंड फिट कर सकते हैं, ये जब छोटे हैं तो किसी से भी ले लें जिसके आपके पास नॉलेज है। अगर आपके पास जो मिल रहा है छोटा हैंड फिट बच्चा तो आप ले लें और उसे हैंड फिट करें तो आपके ये काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाएंगे और आपके साथ खेलेंगे और ये खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये काफ़ी एक्टिव बर्ड है, इसे दिन भर खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसे टॉयज खिलौना कुछ भी इसे प्रोवाइड करें ये खेलेंगे। और खाने पीने में सीड मिक्स और फल फ्रूट सब्जी वेजिटेबल्स ये सब कुछ खाते हैं तो आप दे सकते हैं इन्हें खाने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा बर्ड से अगर आप भी सोच रहे हैं कि सन कनूर रखे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है ये, लेकिन एक चीज़ ये है कि ये बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। अगर आपके
आप अगर रूम में रखना सोच रहे हैं तो ये रूम में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा शोर करते हैं और आपकी नींद जो है वो ख़राब होगी। इसके लिए आप रख सकते हैं छत पे रख सकते हैं, या अगर आपके पास साइड एरिया है तो वहाँ पे आप रख सकते हैं, या घर पे एक दो रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कनूर के हवाले से जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। तो गैस फिर हाजिर होता हूँ एक नए टॉपिक एक नए वीडियो के साथ। जब तक अपने और अपने बड्स का केयर करते रहें, और दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।